हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी मैं जा रही हूँ मॉल। मैंने बताया था ना पहले कि मैं अपना लैपटॉप देके आई थी ठीक कराने, वो मैं फ्राइडे को देके आई थी और उन्होंने बोला था 7 दिन लग सकते हैं। तो मुझे डर था क्योंकि मेरे को 7 दिन में चाहिए था, लेकिन आज लैपटॉप मिल जाएगा। आज मंडे है, मतलब इतनी जल्दी उन्होंने कर भी दिया, मतलब शायद कर ही दिया होगा क्योंकि उनकी मेल आई थी मेरे पास, उसमें लिखा था कि तुम्हारा प्रोसेस हो गया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उन्होंने पूरा कीबोर्ड बदल दिया होगा। देखते हैं अभी क्या होता है। जा रही हूँ, अभी मैं पैदल ही जा रही हूँ, 3-4 किलोमीटर के आसपास है मॉल, तो थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ। चलो आज यहाँ पे मौसम थोड़ा बारिश वाला है, अभी भी ऐसे ड्रिजलिंग हो रही है, 20 डिग्री के अराउंड है टेम्परेचर, और देखो काले बादल दिख ही रहे हैं ऊपर, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है अभी, ये देखो यहाँ पे दिखेगा। ये देखो ये रास्ते में थोड़ी खेती हो रखी है। बारिश थोड़ी और बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन अभी भी चला जा सकता है। देखो बच्चे आ रहे हैं स्कूल से ऐसे, ये पहन के रेनकोट और हेलमेट। यहाँ पे पता है स्कूल में बच्चे कैसे जाएं, मतलब पैदल या साइकिल पे या ट्रेन पे, ये सब भी यहाँ की गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो लाइन में पैदल जाते हैं स्कूल, और वो घर के पास वाले स्कूल ही जाते हैं, घर के पास जो स्कूल होता है ना उसी में जाना होता है उनको। और जो बड़े बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े, वो साइकिल पे जा सकते हैं, और जो और बड़े होते हैं वो जा सकते हैं ट्रेन वगैरह पे, ऐसा फिक्स्ड कर रखा है जापानी स्कूल्स में। और जापानी स्कूल्स में पता है ये पढ़ाई वगैरह फ्री होती है, लेकिन जैसे खाने के पैसे, बैग के पैसे, ये सब देना पड़ता है। पढ़ाई फ्री होती है जापानी स्कूल्स में। जापान में ना दो तरह के पेट्रोल पंप्स होते हैं, फुल सर्विस वाले, जहाँ पे पेट्रोल भरने के लिए, मतलब आपकी सर्विस करने के लिए एम्प्लॉयज होते हैं, और दूसरे सेल्फ सर्विस वाले जहाँ पे खुद से ही भरना होता है। ये वाला जो है वो सेल्फ सर्विस वाला है। मैं यहाँ पे एक जगह पे पहुँच गई हूँ, यहाँ पे मिलने की मेरी बात हुई थी मेरे भाई से, वो यहाँ पे आने वाला था, मतलब हम दोनों घर से ही चलने वाले थे, लेकिन उसको दौड़ के आना था, तो उसने बोला था कि तू चल स्लो स्लो जाएगी, तू चल मैं आता हूँ दौड़ के जल्दी से, तू तो बहुत स्लो है, ऐसे बोल रहा था, और खुद अभी तक आया ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया है। यहाँ पे अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, उसी की वेट कर रही हूँ, फिर जाऊंगी यहाँ से, बस थोड़ा 500 meters रह गया अब, और 3.5 किलोमीटर के आसपास चल चुकी हूँ मैं। बारिश बहुत कम हो गई है, मेरे बाल गीले हैं अभी, बारिश की वजह से गीले नहीं है, मैं बाल धो के आई थी इसलिए गीले हैं, अभी भी नहीं आया। One eternity later. आ गया फाइनली, दौड़ता दौड़ता, बड़ा शौक है इसको दौड़ने का, अभी भी स्लो स्लो आ रहा है, ये नहीं कि दौड़ के आ जाए, मैं तब से वेट कर रही हूँ। चलो अब चलते हैं।
उसके बाद यूनिक्लो भी जाना है क्योंकि भैया ने एक ऑनलाइन मंगाई थी एक कोई जैकेट थी जो इस वाले यूनिक्लो पे मिलने रही थी तो वो डिलीवर हो गई है उस यूनिक्लो पे, तो वहाँ पे जाना है पिकअप करने। अभी भी मेरे से स्लो ही चल रहा है वो पीछे, मैं ही फास्ट चलती हूँ। फाइनली मॉल आ गया, यही पीछे वाली बिल्डिंग है। ये देखो यहाँ पे जापानीज खाना मिल रहा है। देखो यही है मॉल, फुकुदाया शॉपिंग प्लाजा। ऊपर जाना है, ये यहाँ पर डिज्नी स्टोर भी है। चलो मैं तो ऊपर जाती हूँ अभी। इसी फ्लोर पे है वो शॉप जहाँ से लैपटॉप मिलेगा, वो ही शॉप। चलो मैं जाती हूँ। ये देखो टॉप केस विद कीबोर्ड, वैसे 22,880 येन का है लेकिन मेरे को 0 येन का पड़ा, 0 येन का। पूरा केस बदल दिया ऊपर का फ्री में, पिछली वीडियो में मैंने बताया ही था ना कैसे हुआ फ्री में, मस्त एकदम। और 2 दिन में बदल के दे भी दिया, ये एकदम नया जैसा बन के आया मेरा लैपटॉप। अब अंदर रख के चाहती हूँ। पूरा अपर केस बदल दिया उन्होंने, इतनी खुश हूँ मैं, एकदम नया जैसा लग रहा है मेरा लैपटॉप। 3 साल पुराना लैपटॉप, 3 साल से भी ज़्यादा पुराना लैपटॉप। आप एक दूसरी शॉप है यहाँ पे, वहाँ पे जाके थोड़ा कुछ देखेंगे फिर जाएंगे बाहर मॉल के। ऐसा कुछ स्पेसिफिक खरीदना तो नहीं है। एक शॉप है यहाँ पे मूजी, अच्छी शॉप है वो, वहीं जा रहे हैं। यही है वो शॉप, कपड़े घर की चीज़ें बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, कॉस्मेटिक्स वगैरह भी मिलते हैं। बेड वगैरह भी मिलता है, कितना बढ़िया लग रहा है। खाने की चीजें भी मिलती है, ये सकुरा स्टीम्ड बंस और थोड़े स्नैक्स वगैरह। ये मेरे भाई ने इतने कपड़े लिए हैं और मैंने एक टॉवेल लिया है, बस ये लेके जा रहे हैं। सामान ले लिया है, अब हम जा रहे हैं यूनिक्लो पे, तो जाना ज़रूरी है और वो 8 बजे बंद हो जाती है, आधा घंटा जाने में लगेगा और अभी 6:40 हो रहे हैं। चलो चलते हैं अब जल्दी जल्दी। यहाँ नीचे सब लेडीज की चीजें हैं, लेडीज के हैंडबैग्स, परफ्यूम, मेकअप आइटम्स, ज्वेलरी, सब कुछ, कपड़े उस तरफ। अब हम बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे खाने का, यहाँ पे योगर्ट की शॉप है, एक खाना वो योगर्ट हाउस ले लेते हैं। ये फिर सुंदर लग रहा है सब, क्या लेना है तेरे को? इतने अलग अलग टाइप के योगर्ट के फ्लेवर्स हैं यहाँ पे,
क्रीम रोल भी है। एक स्ट्रॉबेरी और एक ब्लूबेरी योगर्ट लिया है हमने। चलो अब जा रहे हैं जल्दी से बाहर। ओहो बारिश हो रही है। चले इधर से, रात हो गई 7 बज रहे हैं। यहाँ से पूरा सीधा सीधा शायद 2 किलोमीटर है वो यूनिक्लो। अब ये बहुत तेज चल रहा है, मैं थक गई। मैं से आगे चल रहा है और बहुत तेज, थक गई मैं। वैसे यहाँ पे ना कॉइन लॉन्ड्रीज होती है, देखो यहाँ पैसे दे के कपड़े धुलवा सकते हो और सुखा भी सकते हो। ये काफ़ी जगह होती है, जैसे आज मौसम ख़राब है कपड़े सूखेंगे नहीं, तो यहाँ पे धो के एकदम मस्त सुखा के दे देते हैं कपड़े। और जब तक आपके कपड़े धुल रहे होते हैं तब तक आप अंदर मज़े से बैठ के टीवी देख सकते हो, कॉमिक्स पढ़ सकते हो, अंदर रखी होती है। यहाँ पे ये ABC मार्ट बहुत फेमस है, जूतों वगैरह के लिए, चप्पलों वगैरह के, फुटवेयर के लिए बहुत फेमस शॉप है ABC मार्ट। हर जगह होती है ये, सेल लगी है अभी। यहाँ पे ये शॉप भी बहुत फेमस है खाने के लिए, सुकिया, 24 आवर्स खुली रहती है ये। और ये भी फेमस है, ये सुपरमार्केट है, ठीक रेट मिलता है यहाँ पे सब चीज़ों का। तो हाँ यहाँ पे पता है सारी सुपरमार्केट्स में अलग अलग रेट हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि इस सुपरमार्केट में कोई चीज़ 230 की मिल रही है तो दूसरे में भी 230 की मिले। वो दिखने लग गया मुझे यूनिक्लो, पहुंच गए हम बस, फाइनली पहुंच गए। चलो चले अंदर। यूनिक्लो पे ना ये हीट टेक के कपड़े मिलते हैं, जापान टेक्नोलॉजी देखो लिखा है। इसमें क्या होता है कि ठंड में ठंड नहीं लगती, मतलब ये ठंड से बचाते हैं। ये यूनिक्लो में मिलते हैं और GU में भी मिलते हैं। GU एक और शॉप है यहाँ पे जापान में, काफ़ी कपड़े होते हैं। इसकी जीन्स भी आती है, इसकी पैंट्स भी आती है, इसके पजामाज भी आते हैं, टॉप भी आते हैं, सब आता है ये हीट टेक का। अभी थोड़ा कम हो गया यहाँ पे हीट टेक का क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो रही है ना, वैसे बहुत होता है ठंड में। अभी गर्मियों के कपड़े ज़्यादा है। ये देखो अब गर्मी शुरू हो रही है ना, तो यहाँ पे एयरिज्म वाले मिलते हैं, मतलब इसमें थोड़ी गर्मी कम लगती है। ये सब ये 3-4 शॉर्ट्स है घर में पहनने वगैरह के लिए, अलग ही कपड़ा यूज़ किया है इसमें जिसमें गर्मी कम लगती है। देखते हैं वैसे कितना इफेक्टिव है, लेकिन एक ले लेती हूँ। ये एयरिज्म का टॉप है, ये तो इतना एयरिज्म मतलब जैसे हाईली ब्रीथेबल है और अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो मतलब गर्मी कम लगती है। तो मैं सोच रही हूँ एक ये भी ले लूँ, ये कलर अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये देखो यहाँ पे ये बिलिंग मशीन्स रखी हुई हैं, यहाँ पे बस मैंने अपने कपड़े रख दिए, ये अपने आप स्कैन हो जाएंगे, स्क्रीन पे अपने आप आ जाएगा कौन से कपड़े हैं, कितनी क्वान्टिटी है और क्या प्राइस हुआ, और सब अपने आप ये मशीन कर देती है। अभी हमने यूनिक्लो से सामान और यूनिक्लो बंद भी हो गया, पूरे 8 बज गए और अब हम जा रहे हैं घर। अभी जाते समय थोड़ा सा 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे
और बाकी बस उधर मेन रोड से बस मिलेगी, तो उधर मेन रोड तक जा रहे हैं, फिर वहाँ से बस लेके घर जाएंगे। बस स्टैंड पहुँच गए और बस 5 मिनट में बस आएगी, फिर घर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।